गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ और आप सभी का फिर से एक बार न्यू ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, अभी हो रहा है सुबह का 5 बजे का टाइम और यहाँ पर मेरी चाय बनी है और यहाँ पर मैंने आलू उबाल के रख दिए हैं और आज सोच रही हूँ कि बच्चों के लिए आलू के पराठे बनाऊँगी। खाना मेरा तैयार हो रहा है, देखिए। हो जा बेटा, हो जा। और निहारिका भी तैयार हो रही है। सो दोस्तों, अभी घर आ गई हूँ बच्चों को स्कूल छोड़ के, यानी बस में बैठा के। आजकल मैंने बस लगा दी है, स्कूटी से छोड़ने नहीं जा रही हूँ। और ठंडा जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। तो आते वक्त मैं कुछ तेल के पैकेट लेके आ गई थी। सरसों का तेल भी ख़त्म हो रखा था, प्लस रिफाइंड भी ख़त्म था। तो एक पैकेट रिफाइंड, 2 पैकेट सरसों का मैं आते वक्त लेके आई थी, वो मैंने खाली करके रख दिया है। और यहाँ पर गैस भी जो है बहुत गंदी हो गई थी। आज आलू के पराठे बनाए थे बच्चों के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर काउंटर टॉप क्लीन हो चुका है और अब मैं बना रही हूँ अपने दूध प्रोटीन वाला, क्योंकि बाद में जब नाश्ता कर लेती हूँ ना तो उसके बाद बिल्कुल मन नहीं करता है, क्योंकि पेट भर जाता है। वैसे भी आज आलू के पराठे खाने तो काफ़ी पेट भर जाएगा तो फिर दूध पीने का मन नहीं करेगा। तो आज मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा प्रोटीन पी लूँ। तो यहाँ पर मैं अपने लिए प्रोटीन बना रही हूँ और माधव के लिए मैं बनाऊँगी कॉफ़ी और उनको दूँगी कॉफ़ी और मैं पीऊँगी दूध प्रोटीन वाला। तो यहाँ पर माधव के लिए कॉफ़ी बनाने लग गई हूँ और अपने लिए मैंने दूध बना दिया है उसको साइड में रख के, क्योंकि मेरे को ना ऐसा लगता है कि मैं पी रही हूँ तो मेरे माधव देखे हैं अच्छा ऐसा लगता है। तो उनके लिए यहाँ पर कॉफ़ी बना रही हूँ और अपने लिए दूध बना रही हूँ। सो अपने को भी देख रही हूँ कि कैसी लग रही हूँ। तो सुबह का टाइम है और बड़ी बेकार सी शक्ल हुई रहती है, आप इग्नोर करना। और तो अभी नहाया भी नहीं है, प्लस अभी नहाना है, काम करना है, तो बहुत सारा काम है, आप बने रहना मेरे साथ। तो दोस्तों, आज मैं पी रही हूँ प्रोटीन और काफ़ी टाइम के बाद। देखो मेरा ये जो है ट्राईपॉड भी ना बिल्कुल बेकार हो चुका है, नया ट्राईपॉड मंगाना पड़े। ओए क्या हो रहा है भाई, अरे यार थोड़ा सा तो बना ले। तो दोस्तों, अभी पी रही हूँ प्रोटीन, क्योंकि ये ना प्रोटीन का डब्बा खो गया था, बीज पता नहीं कहाँ गुम हो गया, बच्चों ने पता नहीं कहाँ रख दिया, तो फिर बीच में मुझे अचानक से मिल गया था ये। तो फिर से मेरा प्रोटीन चालू हो गया है और मैं लाई भी नहीं बीच में, क्योंकि मैंने कहा यार प्रोटीन तो मैं लाई थी पूरा 1 kg का डब्बा, कुछ ही थोड़ा सा ही बहुत, उसमें से मैंने 8-10 चम्मच भी रखा था, तो बाकी वैसे पड़ा था। तो फाइनली कल मिला मुझे, तो आज मैं फिर से प्रोटीन पी रही हूँ। और मुझे ना प्रोटीन की आज बहुत ज़रूरत है, मुझे शरीर में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, एनर्जी कुछ डाउन सी लग रही है। और क्या है कि कलश यात्रा में जब से गई हूँ ना, तब से मेरे थोड़ा सा बदन में दर्द और काफ़ी पेन हो रहा है, गर्दन में भी और हाथ में भी, जो ऐसे करके वीडियो बनाया ना तो उससे हाथ में काफ़ी दर्द है। तो वहाँ पर माधव को भी मैंने दूध दे रखा है, आज उनको मैंने ना कॉफ़ी दे दी, खुशी को कॉफ़ी दी, तो माधव और मोहन को भी कॉफ़ी दे दी है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे चादर गिरी हुई और इधर देखिए पूरे कुशन कैसे रखे हुए हैं। अभी बहुत कुछ काम करना है, मॉर्निंग का ही टाइम है तो अभी पूरा घर समेटना है समझ लो, और न झाड़ू भी नहीं लगा है अभी, कचड़ा भी आपको दिख ही रहा होगा। और यहाँ पर ये जो चादर दिख रही ना आपको नीचे गिरी हुई, आजकल क्या ठंडा हो गया, बच्चे TV देखते हैं तो यहाँ पर चादर ओढ़ के सोफे में बैठते हैं तो ऐसे ही फेंक जाते हैं, रात को देखी होगी तो ऐसे ही फेंक रखी है। सब समेटना है, अभी सुबह का ही टाइम है, बहुत सारे काम है। धूप भी आ गई, देखो घर के अंदर ही धूप आ गई मेरी, अभी सर्दी के दिन आ रहे हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है, घर के अंदर ही धूप आने लग गई है। और थोड़ी देर बाद मैं खिड़की खोल देती हूँ, ये वाले भी खिड़की खोल देती हूँ, तो पूरा अंदर जो है धूप आ जाती है, पूरा वहाँ तक धूप चले जाती है। आज मौसम थोड़ा सा मेरे को ख़राब भी लग रहा है, क्योंकि बादल से हो रहे हैं तो उतनी तेज़ धूप नहीं है आज, नहीं तो अगर तेज़ होती ना तो अभी तक पूरा वहाँ तक धूप चली गई होती। सो दोस्तों, दूध तो पी लिया है, अब कर देती हूँ फटाफट से काम। और आज मैं सोच रही हूँ ना थोड़ा सा घर के जो जाले वगैरह हैं वो भी साफ़ करने के लिए, क्योंकि दिवाली के बाद अभी तक घर के जाले साफ़ नहीं कर रखे हैं, और आप जानते ही हैं कि जाले कितने हो जाते हैं घर में, थोड़ी थोड़ी दिनों बाद जाले लग जाते हैं, तो वो सफाई करनी है। और बाकी घर की डेली की सफाई तो लगी रहती है, आप जानते ही हैं डेली का काम। और यहाँ पर सोफे देखो, बच्चों ने बहुत ज़्यादा गंदे कर रखे थे, वो मैंने झाड़ झूड़ के यहाँ पर ठीक कर दिए हैं। और प्लस यहाँ पर जो मेरा मैट है उसको मैं बाहर झाड़ने के लिए बाहर ले जाती हूँ, क्योंकि उससे धूल बहुत आती है ना, तो इसलिए उसको बाहर से झाड़ रही हूँ।
और जब धूप घर के अंदर आ जाती है ना, तो वो धूल जो है वो बहुत ज़्यादा दिखने लग जाती है। मतलब अजीब सा, थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि ये धूल उड़ती है ना, तो उससे थोड़ा सा अजीब सा लगता है। तो धूप आने के बाद, जब तक धूप नहीं आई रहती ना, तब तक आप कभी भी ध्यान देना, और जब तक धूप नहीं होती तो वो धूल दिखती नहीं है। जहाँ से धूप अंदर आ जाती है ना, तो धूल बहुत ज़्यादा दिखती है। तो इसीलिए मैं बाहर झाड़ के लाई हूँ उसको। और यहाँ से मैं देखो खिड़की भी मैं खोल ले रही हूँ, क्योंकि बहुत अच्छी सी धूप आ गई है, ठंडा ठंडा भी मौसम हो रहा है, तो हल्की हल्की धूप अंदर आ रही, तो बड़ा मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। मतलब तो ये सोफे में से इतनी धूल निकल रही ना, बच्चे क्या करते हैं वो पैरों को ऊपर रख के बैठने के बाद फिर टीवी देखते हैं, और कुशन जो है वो नीचे फेंक देते हैं, बच्चों का यही काम है, और चादर ओढ़ के बड़े मज़े से यहाँ पर टीवी देखते हैं। तो यहाँ पर अभी मैं सब समेटती हूँ, टेबल में भी कॉपी किताब जो है वो सब ऐसे रख देते हैं। बहुत सारे काम होते हैं यार सुबह के टाइम पर ना, इतना मतलब करना पड़ता है, इधर से उधर, उधर से उधर, सारा इधर इधर का सामान उधर रखो, उधर का सामान उधर रखो, बहुत सारा काम हो जाता है। और सब सामान समेटने के बाद अब मैं आ गई हूँ। तो जाले साफ करते करते अचानक से बल्ब जो है वो लग गया था उसमें, तो नीचे गिर गया, तो अचानक से कैश भी हो गया मुझसे, नहीं तो आज सुबह सुबह 200 रुपये का नुकसान हो जाता, और एकदम से हाथ में आ गया था। अच्छा ही हुआ सुबह सुबह नुकसान नहीं हुआ। तो यहाँ पर ये मैं पोछे के कपड़ा मैंने ना कल से सुखा के रखा था, मैं सोचा था मैंने कि इससे साफ़ करूँगी, तो अच्छे से मैंने धो के इसको सुखा दिया था। उसके बाद आज सुबह मॉर्निंग में मैंने इससे इतने अच्छे से सफाई करी ना, मैं आपको क्या बताऊँ। और इससे इतने अच्छे से जाले साफ़ हो रहे थे, और जो दीवार में धूल वगैरह बैठ जाती है ना, दीवार में भी कुछ जाले जैसे, आपको कभी भी ध्यान देना, दीवार में भी लग जाते हैं जाले जैसे, क्योंकि वो धूल बैठते रहती तो दीवार में जमा हो जाती है। तो वो भी अच्छे से क्लीन हो गई इससे, क्योंकि बहुत अच्छे से तरीके से सफाई हो गई थी। और जो पोछा है ना ये साफ़ करने वाला, इससे मतलब जाले भी इतने अच्छे से निकल जा रहे थे, क्लीन हो जाते एकदम से, और पहुँच भी बहुत अच्छे से हाथ जा रहा था। तो ये मतलब आज मैंने जुगाड़ लगाया था साफ़ करने का। तो दोस्तों आज का मेरे को ये जुगाड़ जो है ना बहुत ज़्यादा पसंद आया, और बहुत अच्छे से जो है घर की सफाई हो गई है, कमरों के जालों की अच्छे से, दीवार वगैरह अच्छे से पूरे बहुत ही अच्छे तरीके से साफ हो गए, इससे सारे दीवार साफ हो गई हैं। और अब मुझे करना है झाड़ू और पोछा, तो अब मैं झाड़ू पोछा करती हूँ, उसके बाद नहाती हूँ, उसके बाद मंदिर का काम करूँगी। और देखो झाड़ू कितना गंदा हो गया, नीचे सब गंदा हो गया है, पूरा साफ करती हूँ और उसके बाद फिर और काम करूँगी। तो आज का जो ये ट्रिक है ना, मुझे बहुत बेस्ट लगा, बहुत ज़्यादा बेस्ट लगा, और फिर साफ हो गया। देखो पूरी दीवार ऐसे चमाचम चमक रही है। तो दोस्तों अभी हो गया है दिन का टाइम, और जस्ट अभी आ रही हूँ मैं बैंक से, बैंक गई थी, कोई काम था बैंक का, तो वहाँ से अभी आ रही हूँ और आके अब मैं बना रही हूँ खाना। आज खाने में बना रही हूँ रोटी और आलू टमाटर की सब्ज़ी। तो यहाँ पर मैंने आलू मोटे मोटे काट रखे ना, इनको अभी जब बन जाती है सब्ज़ी तो उसके बाद ऐसे डाल के मैश कर लूँ, तो बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है। तो यहाँ पर मैं सब्ज़ी बनाने के लिए टमाटर भून रही हूँ, आप देख सकते हैं, प्याज व्याज नहीं डालती हूँ क्योंकि हमको माधव को भी खिलाना होता है, और तो इस से प्याज नहीं डालती हूँ। और यहाँ पर मैंने टमाटर भून लिया, मसाला भूनूंगी, उसके बाद आलू डाल दूँगी, बहुत अच्छी टेस्टी सब्ज़ी बनती है। और आजकल बहुत सारा हरा धनिया आ रहा है, दबा के हरा धनिया डालो, मज़ा आता है। और शाम की बनाऊँगी रोटियाँ, तो बच्चे आने वाले हैं, एक बजने वाला है एक, तो फटाफट से खाना बनाती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो दोस्तों अभी आई हूँ चक्की में, इवनिंग टाइम है, तो गेहूँ लेके आई हूँ, और बट क्या हो गया है, अभी अभी चक्की ख़राब हो गई है, थोड़ी पहले चक्की चल रही थी, जस्ट अभी पता नहीं क्या हो गया चक्की में, तो ख़राब सी हो गई है, पता नहीं अभी ठीक होगी नहीं होगी, बस 5-10 मिनट वेट और करती हूँ, नहीं होगी तो फिर कल आऊँगी। और
अभी शाम का टाइम हो गया है तो थोड़ा ठंड भी होने लग गई है। देखती हूँ ठीक होगी तो ठीक है, नहीं तो चले जाऊँगी, कल आ जाऊँगी लेने के लिए। चक्की का ठीक होना मुश्किल लग रहा है दोस्तों मेरे को, तो अभी मैं निकलती हूँ घर को, तो अभी घर को जाती हूँ और आज का ब्लॉग भी यहीं पर एंड कर जाती हूँ। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। तो जो न्यू है चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं कल अच्छी सी वीडियो के साथ।